नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC Only में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 17 दिसंबर 2017 के डेली न्यूज एनालिसिस की। सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो प्रतिभा पूनिया से संबंधित हैं। प्रतिभा पूनिया राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं और ये राजस्थान से दूसरी फाइटर प्लेन का पायलट बनने वाली महिला हैं। राजस्थान से दूसरी महिला हैं जिन्हें फाइटर प्लेन का पायलट बनाया गया है। झुंझुनू की मोहना सिंह राजस्थान की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट थी, तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो मोहना सिंह पे कई बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है कि दूसरी महिला फाइटर प्लेन पायलट कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पता होना चाहिए, प्रतिभा पूनिया है और वह चुरू की है। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज पे। अगली जो न्यूज है वो ई वे बिल से संबंधित है। पहले ये जान लेते हैं कि ई वे बिल क्या होता है। अगर किसी जो गुड्स होती है, वस्तु का, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य के अंदर ही मूवमेंट होता है, तो जो सप्लायर होता है उसको ई वे बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना होता है। और ये जो ई वे बिल होगा, ये आपको तभी जनरेट करना पड़ेगा जब जो सामान है, जिस गुड्स का आप मूवमेंट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो 50,000 रुपये से अधिक का होना चाहिए। अब जो कल GST काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया कि जो इंटर स्टेट ई वे बिल होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा, वो 1 फरवरी 2018 से लागू होगा। इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे राजस्थान से MP, राजस्थान से UP, राजस्थान से हरियाणा, राजस्थान से पंजाब ETC। और इंट्रा स्टेट ई वे बिल जो है, वो व्यवस्था जो है, वो 1 जून 2018 से लागू होगी। तो ये जो डेट है, हमें पता होना चाहिए। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि राजस्थान के अंदर, जैसे जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से नागौर, या फिर जयपुर से अजमेर ETC। अब आते हैं कि ई वे बिल मतलब कि कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि जो ई वे बिल होगा, अगर आप एक राज्य के भीतर यानी इंट्रा स्टेट, अगर आप 10 किलोमीटर के दायरे में अगर अपने गुड्स जो भेज रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको ई वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं। यानी कि दो लिमिट्स हैं, एक तो 50,000 रुपये से अधिक का सामान होना चाहिए, दूसरा कि 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी करते हो। जैसे ऐसा नहीं कि अगर किसी का दुकान है, उसे 10 किलोमीटर दूर उसका कोई गोदाम है, वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ई वे बिल से फ़ायदे क्या हैं, ये जान लेते हैं। ई वे बिल से ये पता चलेगा कि जो गुड्स हैं उस पर GST चुकाया गया है या नहीं है, क्योंकि उसमें सब रिकॉर्ड होगा कि इस वस्तु पर इतना GST लगा, जो भी है। तो इससे क्या होगा कि जो टैक्स चोरी होती थी, उसमें कमी आएगी। और इसके अलावा इसका एक बड़ा फायदा है कि इससे पर जो ई वे बिल है, जिस व्यवस्था की जगह लाया गया था, वो व्यवस्था है चेक पोस्ट। तो पहले क्या चेक पोस्ट होते थे, जिसमें राज्य के अंदर या जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य के तक माल जाता था, तो बार बार उसको चेक किया जाता था चेक पोस्ट के। यानी वहाँ पर क्या होता, जो भी ट्रक वगैरह इनसे ही नॉर्मली या पिकअप होती है, उनसे ही जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर वहाँ ट्रैफिक जाम लगता था तो पॉल्यूशन होता था, क्योंकि जो नॉर्मली जो ड्राइवर्स होते थे, वो बार बार जो अपनी ट्रक वगैरह गाड़ी को बंद नहीं करते थे, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता था। इसके अलावा जो ईंधन होता था, वो भी खर्च होता था। तो आप जो प्रदूषण में भी कमी आएगी, ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी, जो ईंधन है एनर्जी उसमें भी कमी आएगी। अगर ईंधन कम खर्च होगा तो हमारा जो इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, इम्पोर्ट कम करेंगे तो जो हमारी फॉरेन करेंसी उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा टाइम की भी बचत होगी। अब टाइम की बचत कैसे होगी दोस्तों, ई वी ए बिल पे फिक्स है कि अगर मतलब जो भी दूरी है, डिस्टेंस के हिसाब से टाइम लिमिट फिक्स किया हुआ है। जैसे कि अगर 1,000 किलोमीटर तक की दूरी करनी है, तो लगभग 3-4 दिन ऐसा कुछ टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि निश्चित टाइम में जो भी सप्लायर होगा और जो भी ड्राइवर होगा, उसको निश्चित टाइम में वो सामान वहाँ पहुँचाना होगा, तो फटाफट सब काम होगा, तो जो टाइम की बचत होगी। इसके अलावा चेक पोस्ट में क्या होता था, कैसे शिकायतें मिलती थी कि चेक पोस्ट के जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो करप्शन करते हैं, तो उस करप्शन में भी कमी आएगी। अब देखते हैं ई वे बिल के नुकसान क्या हैं। एक तो इसका प्रोसेस है, वो बहुत कठिन प्रोसेस है। इसके अलावा ई वे बिल में, जैसे कि किसी की परचूनी की दुकान है, अपने किराना की दुकान है, तो उसको काफ़ी जितने भी सामान मंगाते हैं, सब आइटम का ई वे बिल, मतलब जो भी ई वे बिल में, सबका एक एक रिकॉर्ड जनरेट करो, इनवॉइस बनाओ, तो उसको अकेला कर नहीं पाएगा, क्योंकि जटिल प्रोसेस उसको कर ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा स्टाफ रखेगा तो फिर उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है, पहले चेक पोस्ट पे उसको करप्शन होता था, तो उसे जो पैसे देने पड़ते थे, पैसे खिलाने पड़ते थे, तो उससे भी उसकी कॉस्ट बढ़ती थी, क्योंकि ऐसे तो घर से तो पैसे देता नहीं था, वो पैसा आखिरकार जो फाइनली कंज्यूमर है उससे ही वसूल करता था।
तो जब भी हमारे आरएसपी का जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में जो इथिक्स है, इकाई थर्ड है, उसमें इथिक्स भी आया हुआ है। तो इथिक्स में जब भी करप्शन पे आए, तो अगर कुछ ऐसे केस स्टडी आ जाए, वैसे आरएस में नहीं आती है, यूपीएससी में ज़्यादा केस स्टडी आती है, अगर आरएस में केस स्टडी आ जाए या इंटरव्यू में पूछ ले, तो करप्शन से फाइनली जो नुकसान होता है वो सिटीजन का होता है, नागरिक का होता है। इसलिए करप्शन को अगर आप सहते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये फायदा मतलब हो सका, कोस्ट यहाँ से बढ़ेगी स्टाफ के कारण, लेकिन वहाँ से कम हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए भी विरोध करेंगे कि चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे तो काफ़ी जॉब्स कमी आ जाएगी, तो भी उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब्स तो कम होंगे डेफिनेटली चेक पोस्ट के कारण, लेकिन वही जॉब वापस यहाँ बढ़ जाएंगे स्टाफ के रूप में। यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है, जॉब डेफिनेटली बढ़ेंगे। जिसको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, जिसको ये इनवॉइस भरना, इकोनॉमी की थोड़ी बेसिक समझ है, तो उसको दुकानों में काफ़ी जॉब, या बड़ी बड़ी कंपनियों में, या छोटी छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जॉब जनरेट होने वाला है। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ स्लाइड पे। अगली न्यूज़ स्लाइड पे हम जिस खबर पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है राजस्थान भारत के, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हैं, वो पूर्वोत्तर भारत के दौरे पे थे, जैसे मेघालय और आपने जो कह सकते हैं मिजोरम के दौरे पे थे। वहाँ उन्होंने कुछ घोषणाएं की, इसके अलावा कई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें 90,000 करोड़ रुपये से दिए जाएंगे, जो रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं, उनके निर्माण के लिए। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मिजोरम की राजधानी आइजोल, उसको म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट, एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो कब से शुरू हो चुका है, उसको भी अब जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमारा जो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक विकास बहुत कम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ ही है। इसके अलावा वहाँ उग्रवाद, ठीक है, वो भी थोड़ी समस्या है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब से एनडीए सरकार आई, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वहाँ जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उग्रवाद में भी कमी आई है। एक नागालैंड का जो उग्रवादी गुट था उससे समझौता भी हुआ है भारत सरकार का, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आपने मैप देखा होगा, या फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे जो ये डोकलाम विवाद चल रहा था, तो जो एक चुंबी घाटी का छोटा सा क्षेत्र है, संकीर्ण सा क्षेत्र, नेहरो एरिया है, वो नेहरो एरिया ही पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, 7 बहनें, ठीक है, उनको इंडिया से कनेक्ट करता है। तो इसलिए मतलब जो वहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा ये भी है कि वहाँ पर्वतीय स्थल है, यहाँ से मतलब सब कुछ परिवहन करना, वहाँ उद्योगपति भी बहुत कम जाना, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरा आपको पता है कि इंडिया में जो भी स्कीम्स होती है, जैसे कि अपने ये RTI ले लो, RTE ले लो, राइट टू एजुकेशन, तो उसका जो खर्च वहन होती है, खर्च वहन करता है गवर्नमेंट करती है, 65 सेंट्रल गवर्नमेंट करती है 65%, और 35% स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो पूर्वोत्तर में जब भी बात आती है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है और 10% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। इवन देन जो अरुणाचल प्रदेश का जो बजट है उसका 90 रुपये, अगर 100 रुपये का बजट है तो 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो अब जो पूर्वोत्तर का विकास कैसे हो, पूर्वोत्तर का विकास तभी हो सकता है जब मतलब जो ये अपने आसियान के देश हैं, या फिर जो कह सकते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, उनसे अच्छे रिलेशन बनाए जाए। लेकिन भारत ने इसकी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इसकी शुरुआत 1992 में, पहले ये देख लेते हैं कि आइजोल में प्रधानमंत्री जी ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम ट्यूरियल है। तो फिर 1992 से पहले हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1992 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, तब एक नीति चलाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट पॉलिसी की तरह कुछ घोषणाएं की गई, कुछ पॉलिसीज बनाई गई, जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आसियान के राज्य हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाए जाए, ताकि इस क्षेत्र में भी उग्रवाद में भी कमी आए और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो। लेकिन जब 2015 में प्रधानमंत्री जी मतलब एनडीए सरकार बनी, और जो मोदी जी पीएम बने, और सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी, तब इस जो अपने कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी को है, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहने का मतलब यह है कि हमने जो घोषणाएं की हैं, नीतियां बनाई हैं, उसको अब धरातल पे, उसको जमीन पे, ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको क्रियान्वित करना। इससे फायदा क्या होगा? सिंपल से फायदा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा पूर्वोत्तर में, उग्रवाद में कमी आएगी। आपको पता होगा कि एक कोई मतलब उग्रवादी संगठन था, वो म्यांमार में चला गया था, तो भारत ने म्यांमार के सहयोग से एक हॉट श्योट करके ऑपरेशन करके उन उग्रवादियों को मार गिराया था। तो ये तभी संभव है जब हम
इन देशों से अच्छे रिलेशन स्थापित करें। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि बात करें कि जो भारत अभी भी आसियान का मेंबर नहीं है। इसके अलावा एपेक हैं, जो अभी ये समिट हुआ था अपेक का, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, उसका भी मेंबर नहीं है। आसियान प्लस थर्ड जो एक समूह है जिसमें जिसका मेंबर चाइना है, उसका मेंबर भी हम नहीं है। एपेक के मेंबर भी चाइना है लेकिन हम नहीं है। तो ये कुछ चुनौतियाँ। लेकिन अभी इंडिया ने आपको बताया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने अपने एक क्वाटोरियल समझौता किया है, चतुष्कोणीय एग्रीमेंट किया है, तो वो भी अच्छी बात है। और हम अभी साउथ कोरिया से, आसियान देशों से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे रिलेशन कोशिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज पे। अगली जो न्यूज है वो इंडियन नेवी और इंडियन सिक्योरिटी से संबंधित है। दोस्तों अगर आपने आर एस मेंस का पेपर थर्ड देखा होगा, जिसकी इकाई फर्स्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े जो इश्यू हैं वो भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। चूंकि कल 16 दिसंबर थी, 16 दिसंबर 1971 के दिन हमने पाकिस्तान को हराया था, तो इसे विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो तब जो भारत की सेनाओं के तीन अंग है वो आपस में इकट्ठा हुए थे, तभी जो इंडियन नेवी के जो कह सकते हैं चीफ हैं सुनील लांबा, उन्होंने जो कहा कि अब जो इंडियन नेवी है उसका रोल बढ़ने वाला है और हम जो नेवी में जो सबमरीन्स है उस पर फोकस कर रहे हैं और जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उस पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही हम नेवी की एविएशन आर्म पे भी फोकस कर रहे हैं। एविएशन आर्म कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो नेवी है उसके पास कुछ मतलब फाइटर प्लान भी होंगे और उस फाइटर प्लान होंगे, कुछ विमान होंगे, ताकि वो समुद्र की देखभाल ना केवल समुद्र में तो सबमरीन करेगी और ऊपर जो मॉनिटरिंग करेगी वो जो है अपने कह सकते हैं फाइटर प्लान होते हैं उनके थ्रू भी मॉनिटरिंग करेंगी। अभी अगर आप आरपीएससी ओनली का यूट्यूब चैनल रेगुलरली सुनते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि नौसेना में यानी नेवी में, इंडियन नेवी में पायलट बनने वाली पहली महिला के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क कह लो, यही रिविजन कह लो कि आपको ये बताना है कि इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर मतलब जो प्लेन है वो पायलट कौन बनी, यानी कि इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर प्लेन की पायलट कौन बनी है हाल ही में, तो वो आपको बताना है। अब ये नेवी का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है और हमारी जो सिक्योरिटी उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस कैसे है? दोस्तों शुरू से जब द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम जो अपने कह सकते हैं कि जो एकदम से जो ये एरोप्लेन वगैरह होते हैं या फिर फाइटर प्लेन होते हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी यूज हुआ था फाइटर प्लेन एटीसी का। लेकिन अब वर्तमान में जो नेवी है उसका रोल इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है। इसका एक जो प्रमुख कारण है वो है कि जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनकी धरती में मतलब जो पृथ्वी का जो एक चौथाई भाग है, लगभग 21% के करीब, उसमें संसाधन धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। अब जो दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनका फोकस है कि जो समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेस है उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो अब इसके लिए सब राष्ट्र है वो समुद्र पे कब्जा करने की कोशिश में, जैसे चाइना देख लो दक्षिण चीन सागर पे फोकस कर रहा है, अपन जो इंडियन ओशन उस पर फोकस कर रहे हैं और भी सब अपने अपने, इवन देन अंटार्कटिका महाद्वीप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लालच की पराकाष्ठा कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास भी हमारा देश में भी काफ़ी जनसंख्या है, हमें भी अपने भविष्य का सोचना होगा। तो फिर भारत भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है और जो इंडियन ओशन है उसमें शुरू से हमारा डोमिनेंस रहा है, तो अब चाइना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो चाइना है वो पाकिस्तान को मोहरा बना के इस क्षेत्र में मतलब जो कह सकते हैं डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, इन जैसी बड़ी कंट्री ने भी पाकिस्तान को मोहरा बनाकर कह सकते हैं इस क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। और भारत की हमेशा इंटरनेशनल जो भी स्टेजेस मंच होते हैं उन पर हमेशा कोशिश रही है कि हिंद महासागर में किसी भी स्पेशली देश का इंटरफेरेंस ना हो, तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा एनर्जी, कहा जा रहा है कि समुद्र के अंदर मतलब कह सकते काफ़ी रिसोर्सेस हो सकते हैं एनर्जी वाले भी, इसके अलावा जो ज्वारीय ऊर्जा होता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का डेली न्यूज एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।